गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूनिट थर्ड पढ़ रहे थे हम बाउचीलिया। बाउचीलिया का हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो रिप्रोडक्शन के अंदर हमने मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है इसमें फर्टिलाइजेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे इसमें डेवलपमेंट ऑफ ओस्पोर और स्पोर का जर्मिनेशन। फर्टिलाइजेशन टॉपिक डाल दीजिए। फर्टिलाइजेशन टॉपिक डाल दीजिए। होमोथैलिक मोनोशीसियस स्पीसीज प्रोड्यूस एंथ्रीडिया एंड यूगोनिया। प्रोड्यूस एंथ्रीडिया एंड यूगोनिया। Quite close to each other, but normally they do not mature. Stimulationally, they do not mature. So as to avoid self fertilization. Full stop. Prior to fertilization, the tip of the beak of Eugonia zelatinus. Ozoing out a drop of colorless cytoplasm. Full stop. Many enthesoids get entangled in this. Entangled in this
drop but entangled in this drop but one of them ovum entering through the receptive spot full stop. After fertilization the diploid zygote secretes a thick wall 3 to 7 layers around, 3 to 7 layers around itself from the oospore full stop. Oospore released by the decay of the orgonial wall undergoes a period of rest for few months full stop. ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीटली इसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में. अब हम इसका इधर डायग्राम देखेंगे. डायग्राम के बाद हम इसमें टर्मिनेशन ऑफ स्पोर की बात करेंगे, देन लाइफ साइकिल की. तो हम इसका डायग्राम देखेंगे.
लिखो इसमें एट द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन द डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगोज reduction division full stop. The four haploid nuclei formed give rise to haploid siphonous synocytic branches thallus of Bouchardia. अब हम इसका डायग्राम देखेंगे किस टाइप से ये जन्मी होता है. इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास वो स्पोर होता है, वो स्पोर धीरे धीरे ग्रोथ करता है. ग्रोथ करने के बाद ये साइफोनस एक ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है और धीरे धीरे ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, बढ़ती रहती है. इससे हमको पता चलता है कि हमारा जो स्पोर है वो क्या हो चुका है, जरिए हो चुका है. Thank you.
ना लीजिए डायग्राम और आज का टॉपिक आपका यही कंप्लीट होता है। लाइफ साइकिल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, इसको बना लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ बाउचेरिया। इसके बाद बाउचेरिया जो है कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए इसमें लाइफ साइकिल ऑफ बाउचेरिया डाल के। द मेन प्लांट ऑफ बाउचेरिया इज हैप्लॉइड फुलस्टॉप। डिप्लॉइड फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय zygote oblique spore, which undergo meiosis to form four haploid spores.
लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्किडिया इज कंसीडर्ड एज हैप्लोटॉनिक